हेलो गाइस, टोटल कूलिंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है हमारी, एक हिटाची का विंडो एसी है उसके ऊपर है। इसमें चूहों ने बड़ा ही कारनामा किया था, तो इसके बारे में आपको कनेक्शन, पीसीबी कनेक्शन बताने के लिए वीडियो बनाई है। आप ये पीसीबी देख रहे हैं इसका, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या था। इस चूहे ने इसको पूरी तरह से तारों को सबको खा लिया था, तो ये जो जैक है इसका जैक भी नहीं मिल रहा है। और तो अब मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो कभी आप फंस जाओ तो ये वीडियो आपको सपोर्ट कर देगी। तो गाइस, ये जो इन पर लिखा है, ये फैन न्यूट्रल है, ये कंप्रेसर न्यूट्रल है, ये पावर आएगी न्यूट्रल, इधर लाइन आएगी और ये कंप्रेसर लाइन है। तो गाइस, ये जो कनेक्शन है आपको करना थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो मैं आपको इसके लिए बारे में बता देता हूँ कि कलर कोड नहीं मिल रहा था हमें, तो कलर कोड हमने अपने हिसाब से बनाना है। तो जो हिटाची का कवर होता है ना, इस पर इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है, तो आप डिटेल देख सकते हैं। मैं इसको फोकस कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो गाइस, ये हमारी फैन मोटर है, तो फैन मोटर के कनेक्शन जा रहे हैं। तो CN3 मैं दिखा देता हूँ आपको, CN3 इस साइड लगा है, ऊपर लिखा है। तो इसके हिसाब से जो CN3 में पहली वायर आएगी इस साइड पर, वो आएगी ब्लैक आएगी, और उसके बाद वाइट, उसके बाद रेड, उसके बाद येलो, और जो ब्लू है इसका न्यूट्रल। तो इधर देखिए गाइस, CN3 से आपने ब्लैक, वाइट, रेड, येलो, और आपका जो ब्लू आएगा इधर आएगा इस पॉइंट पर। तो इससे आपके जो कनेक्शन है कंप्लीट हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आपको और दूसरी चीज़ें मैं इसमें दिखा देता हूँ। हमारी PCB में ये PCB अर्थ है, ये MOV है, और ये हमारा फ्यूज़ है। कई बार क्या होता है, इसी ऑन ही हो रहा था, तो सबसे पहले आप फ्यूज़ और ये टाइमर फ्यूज़ है, इसको भी चेक कर लेना चाहिए, इसको भी चेक करना चाहिए, और इन MOV को भी। और उसके बाद ये जो रिले है उस पर हमें चेक करना चाहिए चल रही है नहीं चल रही है। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको इसके वायर दिखा देता हूँ मोटर पे क्या हो रहा था अभी। गाइज, ये फैन वायर है, इसकी 5 तारें निकली हुई हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ब्लू तो न्यूट्रल है और बाकी चार जो हैं इसकी स्पीड की हैं। इसमें हाई स्पीड, अल्ट्रा स्पीड, मीडियम, लो, ये 4 वायर हैं। और उसके बाद ये जो है कैपेसिटर की वायर है, दोनों ग्रे वायर है जो कैपेसिटर की होंगी, फैन से जो आ रही है। बाकी इन तार के आप कनेक्शन कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो भी आप मेरे वीडियो पे, कई मैंने वीडियो चैनल पे कई वीडियो डाली हैं, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो येलो वायर है, ये येलो वाइट, ये इसका स्टार्ट है, ये रेड वाइट इसकी रनिंग है, और ये इसकी कॉमन है। कॉमन को चूहों ने काट दिया था, इसलिए हमने इसे ऐसे निकाल दिया। इसके जैक को भी चूहों ने काट के पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। तो अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। गाइस, ये 2 फ्लोर एयर विंडो एसी है, तो आप इसके दोनों तरफ फ्लो चलते हैं, और इसमें 2 मोटर होती हैं, 2 स्विंग मोटर होती हैं। और एक चीज़ और, जब हमने इसको देखा था ना, तो ये थोड़ा सा ना पुराने होने के कारण जो इसका जो बुश है, जो मोटर बुश है, जो मोटर मोटर को लेवल देता है, वो थोड़ा सा पुराना होने के कारण दब चुका था। तो हमने क्या करा, इस स्क्रू को खोल के इस बुश को थोड़ा सा मूव कर दिया था, ताकि जहाँ से दबा नहीं हो वहाँ से इसको लेवल मिल जाएगी।